लाइट कैमरा एक्शन, ये वो तीन मैजिकल वर्ड है जो कि हर एक्टर सुनना चाहता है। वो ये तो सोचता है कि मैं एक्टिंग सीख लूंगा, लेकिन क्या मुझे कभी भी पहला चांस मिलेगा? क्या 50 इयर्स प्लस एज होने के बाद मुझे मेल लीड में कभी भी कोई कास्ट कर पाएगा? क्या मैं कभी भी काम मांगने जाऊंगा तो पहले से ही मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस होगा? ये सारे सवालों के जवाब के लिए आज का जो ऑन लोकेशन वीडियो है वो आपको पूरा देखना होगा, और आप समझ सकते हैं कि ये आप भी कर सकते हैं, आपको ये भी मौका मिल सकता है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जॉइन फिल्म्स एकेडमी को प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक्टिंग सीखते हैं आप, लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स। आप फिल्म मेकिंग सीखते हैं, लर्न फिल्म मेकिंग बाय मेकिंग अ फिल्म। मतलब कि फिल्मों में काम करते करते ही आप एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, राइटिंग, एडिटिंग, ये सब कुछ सीखते हैं और इसलिए आपको सक्सेस जल्दी मिलती है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि सीखने के बाद, भले आप थिएटर से सीखें, किसी क्लास से सीखें, क्या आपको कभी भी ऑन लोकेशन काम करने का मौका मिल पाएगा या नहीं? क्योंकि पहला चांस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं मिलता तो घर वाले परेशान होते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो पहला चांस मिल जाता है तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, घर वालों में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसे ही चांस जो है वो हमेशा अवेलेबल कराता है जॉइन फिल्म्स एकेडमी। आज के वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि ऑन लोकेशन जब आप एक फिल्म की शूट पर होते हैं तो किस तरह से आपको एक्ट करना होता है, डायरेक्टर के कमांड को कैसे समझना होता है, कैसे वॉक करना होता है, कैसे कैमरे में लुक देना होता है, कैसे को एक्टर के साथ आपको जब मूवमेंट वाले शॉट होते हैं तो वो कॉपअप करने होते हैं, और डिस्ट्रैक्शन में भी अपने करेक्टर को कैसे ना छोड़े, ये मौका भी आपके पास है सीखने के लिए। तो आज के वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा। तो ये है ऑन लोकेशन वीडियो शॉर्ट फिल्म रिटायरमेंट का, बहुत ही कमाल की कहानी है। इसमें जो सेंट्रल करेक्टर है वो 50 प्लस का है, जो कि जॉन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट पदम जी निभा रहे हैं, और फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट भी यहाँ पर एज ए असिस्टेंट काम कर रहे हैं। एक्शन। जैसे उनको डोर को एंटर करके एंट्री लेनी है, बिल्कुल डायरेक्टर ने वैसे ही उनको कमांड दिया, और एज एन एक्टर उनको वही फॉलो करना है। जहाँ पर उन्होंने रुकने को बोला वो रुके, जहाँ पर उन्होंने प्रॉप को यूज़ करने को बोला वहाँ पर प्रॉपर यूज़ करा। एक एक्टर के तौर पे आपको बस यही ध्यान रखना है कि डायरेक्टर के कमांड को आपको पूरी तरह से फॉलो करना है। अब ये एक्सटीरियर है, आउटडोर है, ऑन रोड है, तो यहाँ के चैलेंजेस बहुत बदल जाते हैं। एक तो फियर रहता है, लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जितने भी जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के एक्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें कहीं भी आपको फियर नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखेंगे वो। आप कैसा फील कर पा रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट डायरेक्शन मैसेज कर रहे हैं और एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये रिहर्सल चल रही है शॉट से पहले, जब लैपल माइक और बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप समझेंगे तो ये समझ सकते हैं कि बीइंग एक्टर, जब भी आप जाएंगे तो आपको डायरेक्शन डिपार्टमेंट की पूरी बात सुननी है, डिस्ट्रैक्शन होते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बाहर के एम्बियंस साउंड में शोर शराबे के बीच में आपको शूट करना होता है, जल्दी जल्दी शूट करना होता है, क्योंकि नेचुरल लाइट जो होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होती है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम क्लासरूम में एक्टिंग सीखते हैं या करते हैं तो बात बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब आप ऑन लोकेशन शूट करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, और यही अप्रोच है जॉइंट फिल्म्स एकेडमी का। अब चाय की दुकान पे भी स्टूडेंट हैं, अब उनको पूरे प्रॉप को वैसे ही यूज़ करना है, ग्लास को और बाकी चीज़ों को, जैसे कि एक चाय वाला वेंडर करता है। तो छोटे छोटे शॉट लिए चाय भरने के, देने के, बोलने के,
अब है शॉट कितना सा कि चाय वाला जो है वो शब्बीर मियां को बुलाता है और वो कह देते हैं कि बाद में कभी, और इतना ही शॉट है, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ टेक लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ शॉट्स लिए जा रहे हैं, ताकि जब विजुअल उसका पूरा एडिटिंग के बाद बने तो बहुत बेहतरीन लगे, बहुत अच्छा लगे, कंटिन्यूटी में लगे। सेम शॉट है जहाँ पर वो मेन कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। आज नहीं, कल से। चलो आ जाओ, डन। तो इस तरह से ये शॉट कंप्लीट हुआ। अब इंटीरियर में आ गए जहाँ पर कि ऑफिस का बैकड्रॉप है, ऑफिस स्टाफ है, और उनको बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या बातें करनी है, कैसे बिहेव करना है, ताकि ओवरलैपिंग ना हो और प्रॉपर सभी के डायलॉग आ पाए। पहले शब्बीर अहमद की एंट्री हुई, अब कुछ शांत हो गए और उनको देख रहा हूँ, है ना। उन्होंने स्माइल किया और आप लोगों ने बड़ा फेक सा स्माइल किया, और जैसे वो एग्जिट किए तो आप लोगों ने एक दूसरे को देखा और वो रिएक्शन थोड़ा। अब यहाँ पे डायरेक्टर पूरे जो ठीक है एक्टर हैं उनको सबको बताया उन्होंने कि किसको क्या रिएक्शन देना है। आपको देख के खुशी होगी कि फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट किस तरह से एक्टर को कमांड दे रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकली कोई भी नॉलेज देते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है। अभी जो कमांड है आप देखें कि डायरेक्टर ने पूरी तरह से दे दी है असिस्टेंट को, और असिस्टेंट कौन है, वो जो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग कोर्स कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ही शूटिंग चलती है। ये शूटिंग का दूसरा दिन है इस शॉर्ट फिल्म का, मतलब एक से दो दिन में शॉर्ट फिल्म कंप्लीट होती है। अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट कभी भी करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, तो ज़्यादातर केसेस में जो भी कहानी में आप काम करेंगे वो एक दिन, दो दिन या तीन दिन ही चलेगी। तो आपके अंदर एक तो स्टेमिना होना चाहिए, प्रॉपर आपको स्किल आनी चाहिए ताकि आप अप्रोच कर पाएँ। कैमरा फियर आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आज के वीडियो से आपने सीखा होगा कि कैमरा फियर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कैमरे को बार बार फेस करना। तो आप भी इस तरह से फेस कर सकते हैं कैमरा। अगर आप इस तरह से कैमरा एक्टिंग सीखना चाहते हैं, इस तरह के मौके चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उस पर कॉल कर लीजिए और गाइडेंस लीजिए कि किस तरह के कोर्स से जुड़कर आपको भी ये चांस मिल सकता है। जाइए पदम जी, नीचे जाइए। तो यहाँ भी मूवमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ शॉट्स लिए जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस में एंट्री है, पूरा एस्टेब्लिश करना है। तो इसलिए एक एक्टर को बहुत ही एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि कई शॉट्स जो होते हैं बार बार होते हैं, बार बार शूट होते हैं। भाई ये मूव कौन कर रहा है यार गेट के सामने लाइट पे? लाइट पे कौन? अभी एक बोल, वहाँ बोलना कोई भी मूव मत करो, बैठ जाओ एक जगह आराम से। दिख रहा है भाई कैमरे में? अरे क्या कर रहे हो? चलो रेडी, रोल कैमरा। अब देखेंगे फ्रेम साइज बिल्कुल अलग है और जो ओपन एरिया है वो बिल्कुल अलग है। ये मेन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की एंट्री हुई, ऐसे में आपको बहुत ओपन अप दिख रहा होगा, लेकिन कैमरा फ्रेम में देखेंगे तो बिल्कुल वो सिनेमैटिक व्यू ही मिलता है। रेडी, रोल, रोलिंग, एक्शन। तो इस तरह के शॉट्स में भी टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, कब डोर ओपन करना है, कब क्लोज करना है, किस स्पीड से करना है, ताकि शॉट और अच्छा लगे। अब ये एक वो शॉट है जिसमें कि वो अपने दोस्त से मिल रहे हैं, दोस्त उनको बधाई दे रहा है, गले मिलना है, तो दोनों की अलग अलग फ्रेम से एंट्री है और उसके बाद मेन एक्टिविटी है। आप थोड़ा सा और लेफ्ट आ जाइएगा। अच्छा, ओके, कैमरे में आप थोड़ा कवर हो। हाँ, ये आइएगा, ये ना, ये लास्ट मार्क। हाँ ठीक है, चलो रेडी टेक। पदम जी एक स्टेप पीछे आइए, लास्ट मार्क पे आकर ऐसे नहीं है, रोबोट नहीं, नॉर्मल आइए पीछे। तो जैसे डायरेक्टर ने कहा रोबोट नहीं, मतलब क्या होता है कई बार जब हमें मूवमेंट भी कहा जाता है तो हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं और वो एफर्ट दिखने लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके मूवमेंट में, जिसके लिए डायरेक्टर ने बोला। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि वो बहुत रोबोटिक ना हो, मतलब नेचुरल लगना चाहिए। एक्शन।
बहुत मिस करूंगा यार। कट इट। तो ये एक क्लोज शॉट था, आपने देखा कि फ्रेम ओपन नहीं है, इसमें टाइट क्लोज है। रेडी रोल, रोल साउंड, एक्शन। बहुत मिस करूंगा तुमको यार। उसके लिए डेली ऑफिस आना पड़ेगा, वो भी टाइम पे। ये सिर्फ उनका एक रिएक्शन शॉट था। ऐसे साथ में पूरा गिरा ना? पूरा नहीं, पेपर चला गया। अच्छा, ये चीजें गिरा है। पूरा क्या नहीं गिराएगा? पूरा पेपर, मैंने क्या बोला? पेपर उस पे भी गिरे हैं, टेबल पे नीचे भी गिरे हैं। हाँ। तू नीचे के पेपर उठा रहा है, यहाँ के उठा रहा है, फाइल में रख रहा है, तब तक वो टेबल को उठा रहा है और उनके सामने से पेपर आएगा। सुनो तौफीक, जी सर, तुम्हारे सामने से एक पेपर उठाएगा और उसी पेपर को तुम उठाने वाले होगे, तब गुस्सा आएगा। पेपर दोनों के लिए क्यों है मनीष भाई? पेपर बोलूंगा मैं सिर्फ, तो पेपर तुझे उठाना शुरू करना और आपका पेपर पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके फर्स्ट लेना पेपर पे हाथ के साथ और फिर लेना फेस पे और फिर फेस पकड़ के रखना, ठीक है? चलो, पेपर क्यों है दोनों? तो जो कैमरा मैन है उनको भी उन्होंने कमांड दिया कि कैसा उनको एंगल चाहिए और किस तरह का शॉट चाहिए और क्या एक्टिविटी है जिसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कहानी में इन चीज़ों का महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। एक्शन। पेपर का फेस पकड़ के रखो, मैडम क्लीनिंग योर शिट, डोंट फॉल ऑन माय फेस। आइए पदम जी। तो जब एडिटिंग के बाद होगा तो ये शॉट ऐसा हो जाएगा कि एकदम उनका ऑर्डर प्लेस होगा और उसके बाद कट टू एंट्री हो जाएगी दूसरे सब्जेक्ट की। इट्स अ मेस। आपने अगर डायलॉग्स पे गौर किया होगा तो वो वन वन लाइनर ही हैं और नॉर्मली होता भी है। हाँ, टीवी सीरियल वगैरह में थोड़े से बड़े डायलॉग मिलते हैं लेकिन वो बहुत बाद में मिलते हैं, शुरुआत में जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो डायलॉग भी बहुत छोटे छोटे मिलते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको कैमरा फियर नहीं होना चाहिए, उसके सामने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर आप बड़े इजीली एक्टिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो से या ऑन लोकेशन वीडियो जो अवेलेबल है उनके थंबनेल शेयर कर रहा हूं, उनको भी देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। All set, sir. तो इस तरह के शॉट जब आप बार बार घर में प्रैक्टिस करेंगे, ये शॉर्ट वीडियो के क्लिप्स देखकर, शॉर्ट फिल्म के और वेब सीरीज़ के क्लिपिंग देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी आप कभी कैमरे के सामने आएंगे तो आपको भी कोई कैमरा फियर नहीं रहेगा। ओके, कट इट। सो फ्रेंड्स, ये था ऑन लोकेशन वीडियो। एक के बाद एक पता नहीं कितने सैकड़ों ऑन लोकेशन वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं, आपको ये सिखाने के लिए, बताने के लिए कि प्रैक्टिकली कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पूरे वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और इन वीडियोस को सबके साथ शेयर भी कीजिएगा क्योंकि इस तरह का कंटेंट हिंदी भाषा में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो वो कंटेंट आपके लिए जॉइंट फिल्म्स और जॉइंट फिल्म्स की टीम लेकर आती है, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा, इन कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं ताकि जो उम्मीद आपको बंधी है, जो विश्वास आपको हुआ है, वो विश्वास, वो उम्मीद उनके अंदर भी जाग पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है।